Hello friends, welcome to my channel Polydesk UP. Today I discuss about lever and its classes, which were important into machine. आइए बात करते हैं लीवर. लीवर क्या होता है? लीवर जस्ट लाइक ए रॉड विच इज स्ट्रेट, रिजिड और बेंट, विच इज कैपेबल टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, जो एक एक्सिस के अबाउट आसानी से मूव कर सकता है. तो द एक्सिस अबाउट द लीवर टर्न पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ लीवर विच इज कॉल्ड द फल्क्रम. जिस पॉइंट के अबाउट जो हमारी लीवर मूव करेगी उसे हम कहते हैं फल्क्रम. तो लीवर का हम यूज क्यों करते हैं? कोई लोड उठाने के लिए, यूज टू लिफ्ट अ लोड. अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर. इफर्ट आर्म बाई लोड आर्म इक्वल लोड बाई इफर्ट. ए और सी जस्ट लाइक हमारी क्या है, ये लीवर है जो एक फल्क्रम, ये एक्सिस के अबाउट दोनों हमारी मूव कर सकती है. ए सी ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, दोनों मूव कर सकती हैं. ये ए पॉइंट पे हमारा पी फोर्ट लग रहा है और सी पे W लोड हमारा लग रहा है. तो हम क्या करेंगे, A टू B जो डिस्टेंस होगी वो हमारी इफर्ट आर्म कहलाएगी और B टू C जो डिस्टेंस होगी वो हमारी लोड आर्म कहलाएगी. तो क्या होता है कि जो इफर्ट आर्म, लोड और लोड आर्म. अब हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द लीवर देखिए, इफर्ट मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड इफर्ट आर्म, लोड मल्टीप्लाइड लोड आर्म. इफर्ट हमारा क्या है, पी है, ये पी हो गया. और इफर्ट आर्म क्या है, ए और बी जो डिस्टेंस है इफर्ट आर्म की वो ए बी है. लोड हमारा क्या है, डब्ल्यू है. और जो लोड बी टू सी डिस्टेंस है वो हमारी लोड आर्म बी सी. ए बी ये हमारा इधर कन्वर्ज किया बी सी इक्वल डब्ल्यू बाई पी. W by P इक्वल ए बी बाई बी सी. डब्ल्यू क्या है हमारा, लोड है. और P हमारा क्या है, इफर्ट है. तो लोड बाई इफर्ट इक्वल ए बी. ए बी देखिए हमारा क्या है, इफर्ट आर्म. तो हमारी इफर्ट आर्म हो गया. बी सी हमारा क्या है, लोड आर्म है, ये लोड आर्म. तो हमारा फार्मूला हो गया मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर इक्वल टू इफर्ट आर्म बाई लोड आर्म इक्वल लोड बाई इफर्ट. अब हम बात करते हैं क्लासेस. ये थ्री टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास. आइए देखते हैं फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास में क्या होता है, जो हमारा फल्क्रम होता है वो ए और सी के बिटवीन में रहता है. तो हमारा पी क्या है, इफर्ट है, और ये हमारा लोड है. तो हमेशा फर्स्ट क्लास में जो हमारा फल्क्रम है वो बिटवीन रहेगा इफर्ट और लोड के. सेकेंड क्लास की बात करते हैं. सेकेंड क्लास में क्या होता है, जो हमारा डब्ल्यू रहता है लोड, वो इफर्ट और फल्क्रम के बीच में रहेगा. जो हमारी डिस्टेंस ली जाएगी वो हमेशा फल्क्रम के अबाउट ली जाएगी. कहने का मतलब, ये फल्क्रम है हमारा, जो हमारी लोड हमारा यहाँ लग रहा है, तो बी टू सी जो डिस्टेंस होगी हमारी लोड आर्म होगी और ए टू सी जो डिस्टेंस होगी हमारी इफर्ट आर्म होगी. अब हम बात करते हैं थर्ड क्लास लीवर. थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, जो हमारा इफर्ट रहेगा वो बिटवीन रहेगा फल्क्रम और लोड के. तो फल्क्रम से हमारी डिस्टेंस होगी इफर्ट की, तो इफर्ट आर्म हो गई, और लोड की होगी तो लोड आर्म. जनी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास और सेकंड क्लास में कैसे पहचाने. तो एक ट्रिक याद करना है, एफ डब्ल्यू पी. एफ डब्ल्यू पी का मतलब है एफ मतलब फल्क्रम. फर्स्ट क्लास में क्या होगा, जो बिटवीन में रहेगा फल्क्रम हमारा बिटवीन रहेगा लोड और इफर्ट के. सेकेंड क्लास में क्या होगा, जो हमारा लोड रहेगा वो हमारा बिटवीन रहेगा इफर्ट और फल्क्रम के. थर्ड क्लास में क्या होगा, जो हमारा इफर्ट रहेगा वो बिटवीन रहेगा फल्क्रम और लोड के. आइए हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की और उनके एग्जांपल के बारे में. आइए पहले देखते हैं फर्स्ट क्लास लीवर. फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है कि जो फल्क्रम रहेगा हमारा वो बिटवीन रहेगा लोड और इफर्ट के. तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारी इक्वल टू वन आएगी, लेस देन आएगी और ग्रेटर देन आएगी. कैसे, देखिए, सपोज दैट जब हमारा जो फल्क्रम है हमारा बिल्कुल मिडिल में रहेगा, बिल्कुल बिटवीन रहेगा इफर्ट आर्म और लोड आर्म की डिस्टेंस से, तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा आएगी वन आएगी. सपोज दैट इफर्ट आर्म ग्रेटर हो गया लोड आर्म के,
या फिर लोड आर्म ग्रेटर हो गया इफर्ट आर्म के, तो हमारी जो मैकेनिकल एडवांटेज हमारी प्राप्त होगी लेस देन और इक्वल देन मिलेगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे हमारा सीजर्स है, हमने क्या बताया था फर्स्ट क्लास में, जो हमारा फलक्रम रहेगा हमारा बिटवीन रहेगा इफर्ट और लोड के। तो देखिए इसमें यहाँ हम अपना कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं वो हमारा लोड हो गया, इफर्ट हम लगाएंगे बाई फिंगर जो लगाते हैं वो हमारा इफर्ट हुआ, और ये फलक्रम। तो सीजर्स हमारी क्या है फर्स्ट क्लास लीवर है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सीसा, जनरली बच्चे इसमें झूलते भी हैं। तो क्या होता है कि जब हम इफर्ट लगाएंगे इसमें तो हमारा क्या होगा लोड हमारा अपलिफ्ट होगा ऊपर जाएगा, अगर हम लोड ज़्यादा लगाएंगे तो इफर्ट भी हमारा ऊपर जाएगा, तो क्या होगा ये भी हमारा फर्स्ट क्लास लीवर है जो फलक्रम हमारा हमेशा बिटवीन काम करेगा इफर्ट के और लोड के। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्रोबार की हम बात करते हैं। क्रोबार में क्या होता है कि देखिए ये हमारा बाई हैंड लग रहा है इफर्ट पी जो हमारा लग रहा है लोअर लग रहा है, और जो हमारा वेट लोड है वो हमारा अपलिफ्ट होगा, और हमारा जो पी है और डब्ल्यू है वो हमारा वर्क कर रहा है अबाउट फलक्रम। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्लास लीवर की और उनके मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। सेकेंड क्लास में क्या होता है कि जो हमारा एफ डब्ल्यू पी के अनुसार डब्ल्यू हमारा सेकेंड क्लास में आता है, तो हमारा जो डब्ल्यू रहेगा लोड रहेगा वो इफर्ट और फलक्रम के बिटवीन काम करेगा। तो क्या होती है डिस्टेंस हो गई इफर्ट आर्म और ये लोड आर्म, तो जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है इसमें हमेशा ग्रेटर प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है इफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, तो इफर्ट आर्म की जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है लोड आर्म से। तो कोई भी जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो हमेशा वैल्यू हमारी ग्रेटर प्राप्त होगी, तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो ग्रेटर देन वन होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की व्हील बैरो, ये क्या होता है कि ये हमारा एक व्हील जो है ये हमारा फलक्रम हो गया, ये हम इफर्ट लगाते हैं बाई हैंड तो हमारा इफर्ट हो गया, और ये हमारा क्या है हमारा भार है जो हम लगाते हैं वेट लोड, तो हमारा ये हमारा हो गया सेकेंड क्लास लीवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं नट कटर, नट कटर में हम क्या करते हैं काटने के लिए या फिर तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये पी इफर्ट हम लगाएंगे बाई फिंगर से, फलक्रम हमारा वन साइड वर्क करेगा जैसे कि सेकेंड क्लास में दिखाया गया ये, और हमारा जो लोड होगा वो बिटवीन काम करेगा। तब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है कि जो हमारा इफर्ट रहेगा वो बिटवीन वर्क करेगा फलक्रम और लोड के, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारी लेस देन वन प्राप्त होगी। कैसे कि फार्मूले के अनुसार इफर्ट आर्म बाई लोड आर्म होता है, तो जब लोड आर्म की डिस्टेंस ग्रेटर होगी इफर्ट आर्म से तो हमारी जो वैल्यू होगी हमेशा लेस प्राप्त होगी, तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा हमेशा लेस देन आएगा। अब हम बात करते हैं ब्रूम, आपने देखा भी झाड़ू लगाने वाले को कि वो क्या करता है एक हाथ हमारे यहाँ मिडिल पे लगाता है, क्या होता है वो हमारा एक इफर्ट है, और ये जो साफ होती है नीचे या फिर साफ करने के लिए तो डब्लू हमारा यहाँ लगता है बिल्कुल कॉर्नर में, और फलक्रम हमारा इस कॉर्नर में होगा, तो ये भी हमारा थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं हमारा शुगर टंग हम जल्दी आजकल मोमोज जैसे खाने के लिए यूज़ भी करते हैं, देखा भी होगा आपने। तो क्या करते हैं यहाँ हम डब्ल्यू जिस चीज़ को हमें पकड़ना है अपना वो यहाँ यूज़ करेंगे, और हमारा इफर्ट जो लगाएंगे पी बाई फिंगर वो हमारा मिडिल पे लगता है, और फलक्रम हमारा यहाँ वर्क कर गया, तो ये भी थर्ड क्लास का लीवर हुआ, जैसे कि पी मिडिल वर्क कर रहा है, ये फलक्रम वन साइड और ये लोड यहाँ वर्क कर रहा है कॉर्नर में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, सब्सक्राइब।